वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 4.3 की, जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर वाई विच द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाई टू मेक देन परफेक्ट क्यूब। यानी हमें जो नंबर दिया उस नंबर में किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि परफेक्ट क्यूब बन जाए। यानी जो हमें नंबर दिया होगा वो परफेक्ट क्यूब नहीं होगा और हमें परफेक्ट क्यूब उसका बनाना होगा। तो हम परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए जो गिविंग नंबर होगा उसके प्राइम फैक्टर से मेथड से फैक्टर निकाल लेंगे, और जिनका ग्रुप बन रहा होगा 3-3 का जिनका पेयर बन रहा होगा उनको तो नेग्लेक्ट कर देंगे, उनको छोड़ देंगे, और जिनका ग्रुप नहीं बन रहा है उनमें से देखेंगे कि कितने नंबर्स का ग्रुप नहीं बन रहा है। जैसे ग्रुप 3 का बनता है क्यूब में, तो मान लिया जैसे दो नंबर हमारे आ गए, एक नंबर कम रह गया, तो जो नंबर कम रह गया है वही है नंबर हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए। तो अब हम जल्दी से देखेंगे, यहाँ पे परफेक्ट प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टर निकाल लेंगे इसके, और देखेंगे कि कौन कौन से नंबर जो हैं वो अनपेयर्ड हैं, यानी 3-3 के ग्रुप में नहीं है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 36,000, हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से यहाँ पे फैक्टर निकाले हैं। देखिए 2 बन जा 2, फिर 1 लेफ्ट में आया, 2 6 18 हो गया, फिर 3 0 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे, फिर 2 9 18, फिर 3 0 आ गए, फिर 2 4 8 आ गया, 1 लेफ्ट में आया, 1 और 0 मिलाकर 10 हो जाएगा, 2 5 10 और 2 0 आ जाएंगे, 0 से 0 कैंसिल होकर 0 डायरेक्ट राइट कर देते हैं तो 0 का कोई मतलब नहीं बनता, 0 हम डायरेक्ट ही राइट कर दिया करेंगे। फिर 2 2 4 हो गया, फिर 2 2 4 1 लेफ्ट में आया, 1 और 0 मिलाकर 10 हुआ, तो 2 5 10 और 0 का 0 आ गया। फिर 2 बन जा 2 2 बन जा 2, फिर 2 2 4 1 लेफ्ट में था, 1 और 0 10, 2 5 10 आ गया, फिर 5 2 10 हो जाएगा 1 लेफ्ट में, ये 1 और ये 2 12 हो जाएगा, तो फिर से 5 2 10, फिर से यहाँ पे 2 बचा 5 5 25, तो यहाँ पे फिर से हम 5 से देखिए, यहाँ पे लास्ट में 5 है, जब तक लास्ट में 0 था तब तक हमने 2 से डिवाइड किया, और जैसे ही लास्ट में 5 आ गया तैसे हमने क्या कर दिया, 5 से डिवाइड लगा दिया, तो 5 4 जा 20, 2 लेफ्ट में आया, 2 और 5 मिला के 25, 5 5 जा 25, अब उसके बाद 45 आ गया, 5 9 जा 45, अब 9 तो 5 से डिवाइड होगा ना इसलिए हमने 3 से डिवाइड कर लिया, तो क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9 आ गया, फिर 3 1 जा 3 आ गया। अब चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि 1 2 3 4 5, 5 तो 2 2 है, 1 2 3 3 5 है और 3 2 है, तो पेयर किस किस का बना, यहाँ पे हमने यहाँ पे नंबर राइट कर लिए, तो 2 2 जो है वो एक पेयर में है, जबकि 2 है वो अनपेयर्ड है, दो डिजिट यहाँ पे 2 की अनपेयर्ड है, और 5 तो 3 है ही, तो इनका पेयर बन गया, 1 3 का पेयर नहीं बना। तो ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जिनका पेयर नहीं बना, 1 इसमें से 2 कम है और 1 इसमें से 3 कम है, तो यानी अगर हम 2 और 3 दोनों को मिला के, यानी हमारे पास टोटल नंबर कितना कम है, 3 2 जा 6 नंबर कम है, तो हम अगर 6 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा यहाँ पे 1 3 मान लिया बढ़ा दें और यहाँ पे 1 2 बढ़ा दें तो हमारा ये पेयर बन जाएगा। तो इसीलिए हमारे लिए जो नीड है परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए वो 6 की नीड है, यानी 6 हो तो सबके पेयर बन जाएंगे। तो हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे, हेयर 2, 3 इज अनपेयर्ड, सही बात है, यहाँ पे 2 और 3 जो है वो अनपेयर्ड है, सो वी विल डू मल्टीप्लाई बाय 2 × 3, यानी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे टू मेक अ परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हमें 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद में हम देखते हैं, चलिए यहाँ पे जो आपके बुक में क्वेश्चन दिए हैं वो पहला क्वेश्चन तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, क्वेश्चन नंबर V C D E ये आप खुद करेंगे, तो राइट कर दिया B and C D E डू योर सेल्फ। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर डी की, चलिए क्वेश्चन नंबर डी और हमने बता दिया आपके लिए, एक और पार्ट करके सॉल्व करके दिखा दिया है तो वो भी देख लीजिएगा, जैसे पहले क्वेश्चन किया था वैसे ही अभी करेंगे। यहाँ पे हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर निकाल लिए हैं और फिर चेक किया कि कौन कौन अनपेयर्ड है, आपको सभी पार्ट्स में सेम मेथड को यूज करना है और क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना है। तो 2 5 10 हो गया, 2 4 8 आ गया, 1 लेफ्ट में था, 1 और ये 7 17 हो जाएगा, तो 17 8 16 में कैंसिल हो जाएगा, तो 2 8 जा 16, फिर 1 बचा 6 16 हो जाएगा, 2 8 जा 16, फिर 2 2 जा 4 हो गया,
फिर 2 7 14, 2 4 8 हो जाएगा, फिर 2 बन जा 2, फिर यहाँ पे 2 3 6 एक बचेगा, 1 और 4 17, तो सॉरी 14 जो है वो 7 में कैंसिल कर देंगे 2 7 14, फिर 2 2 4 हो गया यहाँ पे कैंसिल। अब फिर से हम 2 से कैंसिल कर सकते हैं, 2 6 12 हो गया, 1 आया 1 और 7 17 हो जाएगा, 2 8 16, फिर से 1 2 6 12 हो जाएगा, फिर 2 3 2 4 2 3, फिर 7 से डिवाइड करेंगे, 7 4 28, 28 जाएंगे 34 में से तो 6 बचेंगे, 6 और 3 63 हो जाएगा, तो 7 9 63, फिर 7 7 49, फिर 7 1 7। यहाँ पे हम देखते हैं कि 2 जो है वो 5 टाइम है, 3 7 जो है वो 3 टाइम है, तो यहाँ पे हमारा एक 2 का पेयर बन गया, एक 7 का पेयर बन गया, लेकिन 2 का पेयर नहीं कंप्लीट हो पाया, इसमें से एक 2 कम रह गया, तो एक 2 अगर हम और मल्टीप्लाई कर देते इसमें तो हमारा परफेक्ट क्यूब बन जाता। तो वही बात हम यहाँ पे राइट कर देंगे, हेयर 2 इज अनपेयर्ड, सो वी विल डू मल्टीप्लाई बाय 2 टू मेक अ परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हमने क्या किया कि 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारा सेकेंड आता है, सेकेंड में और फर्स्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है, इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ता था, इसमें हमें डिवाइड करना है परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए। तो फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी डिवाइडेड टू मेक अ परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हमें किस नंबर से डिवाइड करें, तो जैसे पहले मेथड था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमने फैक्टर निकाल लिए, सेम वे यहाँ पे भी यूज कर लेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम उसको फैक्टर निकाल लेंगे। तो 8 6 4 0 और ये हमारा आ गया, तो 2 4 8 हो गया, 2 3 6 2 2 4 0 का 0 आ गया, 2 2 4 2 1 2 और 1 यहाँ पे आया, 2 6 12 हो जाएगा और 0 ये आ गया, फिर 2 1 2 फिर अब यह देखिए यहाँ पे दो नंबर एक साथ कैंसिल कर रहे हैं हम, 2 1 2 हो गया, लेकिन 16 एक दो नंबर एक साथ कैंसिल कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे 0 लगाया, फिर 8 लगाएंगे, 2 8 16, जैसे डिवाइड में दो नंबर एक साथ अगर हम कैरी करते तो बीच में 0 देते, इसलिए हम यहाँ पे भी 0 देंगे, 0 का 0 आ गया, 2 5 10 हो गया, 2 4 8 आ गया, अब 0 का 0 आ गया, 2 2 4 2 7 14 0 का 0, अब यहाँ पे 3 9 27 0 का 0 आ गया, 3 3 9 0, फिर 3 1 3 का 0 का सेम, 2 5 10। अब यहाँ पे हमारे चेक करेंगे कौन कौन से पेयर बने कौन कौन से पेयर नहीं बने, देखिए 1 2 3 एक पेयर कंप्लीट हो गया 2 का, 1 2 और एक ये 3 यहाँ पे हो जाएगा, और ये 1 2 3 का भी हो गया, यानी यहाँ पे 2 के भी पेयर कंप्लीट हैं 2 और 3 का एक ही पेयर बना, लेकिन 5 तो एक ही नंबर है यानी इसके दो नंबर कम है, तो कहने का मतलब जो अनपेयर्ड रह जाता है वही नंबर हम डिवाइड के लिए लिख देते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि ये 2 का पेयर बना, 2 का पेयर बना, 3 का, 5 का नहीं बना, तो 5 ये अगर ना होता तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाता कि नहीं बन जाता, यहाँ पे कोई अनपेयर्ड नहीं रहता, अब ये 5 आ गया तो इसका मतलब कम है, तो हम ये 5 हटा देंगे, हटाने का मतलब डिवाइड कर देंगे, तो हेयर 5 इज अनपेयर्ड, सो वी विल डू डिवाइडेड बाय 5 टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर, सॉरी परफेक्ट स्क्वायर नहीं था यहाँ पे, परफेक्ट क्यूब होना चाहिए था, बाय मिस्टेक लिख गया यहाँ पे, आप क्यूब राइट करें। तो हमें परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए क्या करना है, 5 से डिवाइड कर देना है। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर BC कर लेंगे, देखिए बी भी आपके लिए सॉल्व करके दिखा दिया गया है, 2 1 2 2 3 6 2 3 6 2 1 जा, अब 11 से कर देंगे, 11 1 जा 11, 2 आ जाएगा, 2 और 31, तो 11 2 जा 22, फिर से 1 बचेगा, 1 और 1 मिनट के 11 11 में 11 आ गया, फिर 11 11 जा 121 होता है, फिर 11, तो यहां से 11 का पेयर कंप्लीट हुआ, 2 नहीं हुआ, इसलिए हेयर 11 इज एन पेयर, सो वी विल डू डिवाइड बाय 2 टू मेक अ परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर सी देख लेते हैं, इसमें भी हमें ये दिया रखी है डिजिट, बहुत लॉन्ग डिजिट है, तो देखिए 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 हो गया, 1 बचा, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 आ गया, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 1 जा, 2 2 जा 4, फिर से यहाँ पे चेक कर लेंगे, 2 3 जा 6 हो गया, 2 4 जा 8 हो गया, 1 आ गया, 2 5 जा 10 आ गया, और उसके बाद में 2 5 जा 10 और 2 8 जा 16 हो जाएगा,
टू थ्री जा सिक्स, टू फोर जा एट हो गया, टू फाइव जा टेन आ गया, टू सिक्स जा ट्वेल्व हो गया, टू वन जा टू, टू फिर वन यहाँ पे लेफ्ट और फोर सेवनटीन, टू सेवन जा फोर्टीन हो गया, फिर टू यहाँ से टू टू जा फोर बन आएगा तो टू एट जा सिक्सटीन आ जाएगा, फिर टू एट जा सिक्सटीन बन बच्चा, टू सिक्स जा ट्वेल्व, टू फोर जा एट, फिर टू टू जा, टू थ्री जा, टू टू जा यहाँ पे टू टू जा, टू वन जा, टू सिक्स जा ट्वेल्व, टू वन जा टू, और यहाँ पे दो नंबर एक साथ कैंसिल कर रहे हैं इसलिए हम यहाँ पे जीरो लगा के करेंगे, टू एट जा सिक्सटीन, टू फाइव जा टेन, टू फोर जा एट, फिर टू टू जा फोर बनाया, टू टू सेवन जा फोर्टीन, अब थ्री से कर लेंगे, ट्वेंटी सेवन, थ्री थ्री जा नाइन, और थ्री नाइन जा ट्वेंटी सेवन, थ्री थ्री जा नाइन, थ्री वन जा थ्री। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि वन टू, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, टेन तो टू है, इसका मतलब थ्री थ्री या नाइन, नाइन तो टू के कंप्लीट हो गए लेकिन एक टू रह जाएगा, और यहाँ पे थ्री के भी पेयर कंप्लीट हो गया, यानी टू एक फालतू है, तो जो टू हमारा एक्स्ट्रा टू है भाई हम डिवाइड में राइट कर देंगे, हेयर टू इज अनपेयर्ड सो वी विल डू डिवाइड बाय टू टू मेक अ परफेक्ट क्यूब। तो आई होप आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकेंड पूरी तरीके से समझ चुके होंगे, और नेक्स्ट के क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।